यदि सरकार के दावे वादों की हकीकत जानना चाहते हैं तो चले आइए इस गांव की तरफ, जहां आपको कागजी विकास के एक से एक बढ़कर उदाहरण देखने को मिलेंगे। विकासखंड मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर सरकार के विकास का एक नमूना देखने को मिला। रोलियाना लोहनागढ़ी मोटर मार्ग में 1 किलोमीटर की दूरी पर कार्यदायी संस्था के स्थानीय लोगों की जान से खेलने का पूरा इंतजाम किया है। यहाँ विभाग द्वारा लकड़ी की दीवार बनाकर अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन प्रतिदिन कई गांव इसी सड़क की दीवार के ऊपर से गाड़ी में सफर करने को मजबूर है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन ठेकेदारों की मनमर्जी के आगे विभागीय अधिकारी कर्मचारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। रोलियाना के प्रधान मदन गिरी ने कहा है कि विभाग को कमीशन लेने से फुर्सत ही नहीं है। यदि लोहागढ़ी से कोई मरीज इलाज के लिए आना चाहता है तो वो समय पर नहीं पहुंच सकता। ग्रामीण राजेंद्र सिंह परसवान का कहना है कि गांव की तरफ कोई देखने वाला तक नहीं, किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने जिला अधिकारी से सड़क की जांच की मांग की है। अलग से स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क को गांव तक पहुँचाने के लिए पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय ठाकुर दरबार सिंह बिष्ट ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को उनका नाम दिया जाए। ये जो है 4 बरसात के बाद ये रोड बंद थी, उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, नेता लोगों ने जो है बड़ी मुश्किल से रोड बनवाई। तो उसके बाद जो है एक मतलब ठेकेदार द्वारा एक PMG द्वारा एक लोकल व्यवस्था की गई, जिसमें जो है रोड तो चालू की गई, उसमें जगह जगह जो है पेड़ काट के जो है गिल्टे बना के जो है गाड़ियाँ चल रही हैं, जो रिस्की हैं जनता के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी, और आने वाले समय के लिए भी जो है भयानक बना हुआ है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था न होने के बाद जो है ये PMGY द्वारा इस रोड को जो है जहाँ पर लकड़ी के पुली वो गिल्टे डाले हुए हैं यहाँ पर जो है पक्की दीवार बनाई जाए, अन्यथा नहीं तो इस रोड को बंद किया जाए। गिल्टे के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, लोडेड गाड़ियाँ हैं, 10-15 सवारियाँ जाती हैं, 10-12 सवारियाँ गाड़ी में, 8-10 गाड़ियाँ चलती हैं इस रोड में। कभी कोई रात रात को अगर कोई डिलीवरी का आगे केस आ गया तो जाना पड़ता है, क्या करें, रिक्शी रोड है, ये भी झेलना पड़ेगा। हाँ, और आम सामान वामान चाहिए मार्केट जाने के लिए, गाड़ियाँ जाती रहती हैं।